खड़े नो महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खड़े नो गरीब दास सुन भवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नो मत दे दिए बाल याने नो मत दे दिए बाल याने। आत्मा अब पछता रही है और रो रही है कि परमात्मा मेरे को तो इस मन के साथ जोड़ दिया, ये मेरा मालिक बना दिया और इसके मन के मते चल करके हमने पता नहीं कितनी कठिन साधनाएं की। गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब ये मंत्र बता रखा है उस पूर्ण परमात्मा के पाने का। ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक कोड वर्ड है। इनके लिए स्पष्ट कर रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संत बता सकते हैं। और वो तत्वदर्शी संत कहां से बताएंगे? वो तत्व ज्ञान को जानते हैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक। अभी तक गीता पढ़ा करते थे, एक तरफ तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंते हम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है बस, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है वो ब्रह्म से मिलने वाली जो उच्चतम सतीथि यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। अब यहां तो समझ कर गीता ज्ञानदाता मेरा तो एक ओम अक्षर है, फिर वहां किसके बारे में कहा है? ओम तत्सत ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है इति निर्देश है। कहते या समझा ना पूछा, यो शब्द जो ठिकाने का शब्द था जो भी सही मंत्र था उसकी तरफ नजर ना गई किसे की। गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु। फिर क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नु। जैसे कहते हैं आप जी के आयु समाप्त होगी और काल के दूत आपको लेने आ गए, क्योंकि उतारना ही है उनका तो निर्धारित समय है, तो वहां आपकी आयु को कौन बढ़ा सकता है? जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तो लगवाने नु। कहते उस सतगुरु की शरण दे जो जम के तलबाने को यानी जम के सम्मन को वापस कर दे, ले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से अपनात्माओं। जम का तलबाना माने बुलावा, काल के दूत लेने आवे और उनको वापस मोड़ दे। कहते उस समर्थ का उस सतगुरु का शरणा लीजिए जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाने नु मत दे दिए बालम याने नु मत दे दिए बालम याने। जब इस आत्मा के समझ में आ जाता है ना फिर कहती है पहले हमने डले डोए और ये समझ में ईव आई। बात क्या बताते हैं? एक दो रोटी के जुगाड़ की खातिर कहते ना जाने कहां कहां भटकते हैं ये संत भी और ये भोली आत्माएं भी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तुम फिर दाने दाने नू और सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरि आए हरि आने। अब कबीर परमेश्वर जी आए थे, ये गरीबदास साहेब जी की वाणी दास बोलकर सुना रहा जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था
गांव छुड़ानी जिला जंदन हरियाणा, उससे उस समय ये प्रांत नहीं बना था, सन 1727 में, और हरियाणा प्रांत बना सन 1966 में। सन 1727 में ये बोला था गरीबदास साहिब जी ने कि हरी आए हरियाणे नो, कि वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म यहाँ हरियाणे में आए, और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से चलकर गति करके आए, अपने उस अच्छी आत्मा गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक गए, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। आंखों देखा उस परमेश्वर का, सभी ऊपर के ब्रह्मांड और पूरी समर्थता गरीबदास साहिब जी ने फिर अपनी लिपि बंद करवाई। तो पुण्य आत्माओं, मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ के ऊपर मारते देख, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, और आपका सौभाग्य है कि आपको वो परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, इसका लाभ उठाओ। कहते हैं ये बातें कह सुन की नहीं, ये कर पाठन की है, ये नहीं हमने कह दिया तुमने सुन दिया वाह वाह कर दी, नहीं, इसमें एक एक पॉइंट पर अमल करना है और पार हो जाना है। बोलो सतगुरु जी की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब जी, ये हम सभी प्राणियों के एकमात्र जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, और काल के लोक में जीव को सुख सपने में भी नहीं हो सकता। हम जहाँ रहा करते थे वो स्थान बहुत ही सुखमय था, वहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं थी। हम अपनी गलती के कारण उस सुखदायी स्थल को छोड़ कर अपने मालिक अपने पिता को छोड़कर हम इस विलियन के साथ आगे, इस खलनायक ब्रह्म के साथ यहाँ आगे, और इसने हमारे साथ अब क्या सलूक कर रखा है। सबसे पहले तो हमारे ये भूल डाल दी कि कोई पूर्ण परमात्मा है या नहीं, और पूर्ण परमात्मा इस काल द्वारा प्रेरित अज्ञानी ऋषियों ने इस ब्रह्म को ही सर्वेस्वा बता दिया। सबसे पहला काम इसने किया कि नामो निशान मिटा दिया उस परम पिता का, जो हमारा सबका मालिक है, जो हमें सुख दे सकता है, क्योंकि इसका स्वार्थ निहित है। ये नहीं चाहता कि किसी प्राणी को यथार्थ ज्ञान हो, और ये उस परमात्मा की भक्ति करके मेरे जाल से निकल ना जावे, ये चाहता है। इसी कारण से परमेश्वर ने सभी सदग्रंथ ठीक लिखवा रखे हैं, इस काल से भी बुलवा रखी है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, और ऋषि महर्षियों को भी परमात्मा कबीर देव जी आकर मिले, क्योंकि ये भी उन्हीं के बच्चे हैं। प्रथम सतयुग के लास्ट में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी को मिले, ब्रह्मा जी को अपना नाम परमात्मा ने अग्नि देव बताया, क्योंकि परमेश्वर जैसे वेदों में अग्ने तनुरसी, और ये काल की प्रेरणा से ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं इस अग्नि शब्द को अग्नि देव नाम से पूजते रहे, और वेदों में अग्नि अग्नि नामक ये जो शब्द है ये परमात्मा का बोधक है। विशेष कोई प्रकरण में अग्नि माने आग अलग बात है, नहीं, अत्यधिक स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ होता है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा काल ने उसको समझाया, परमात्मा का नाम हटा के अग्नि माने अग्नि देव नाम से प्रसिद्ध कर दिया।
अग्निदेव जो यज्ञों का देवता बता दिया कि अग्निदेव यज्ञों का देवता है और ब्रह्मा यज्ञों को अत्यधिक करता था, इसलिए परमेश्वर ने आकर बताया कि मेरा नाम अग्निदेव है। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी को परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, बहुत ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए और परमात्मा से प्रथम नाम प्राप्त किया। प्रथम नाम ब्रह्मा जी को देकर परमेश्वर फिर विष्णु जी के पास आए। अब विष्णु जी को भी बहुत ज्ञान समझा है। विष्णु जी वैसे ही अच्छे स्वभाव के स्वामी हैं, बहुत आदर किया परमात्मा का, बहुत ध्यान से ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हुआ और प्रथम नाम उपदेश लिया कबीर परमेश्वर से। फिर परमेश्वर शंकर भगवान के पास आए, शिव जी, तमोगुण शिव जी के पास आए। उन्होंने भी कबीर परमेश्वर जी का, अर्थात एक ऋषि रूप में प्रगट संत का, उस परमेश्वर का बहुत सत्कार किया। तो शंकर भगवान को भी परमात्मा ने यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान समझाया। शंकर भगवान बहुत प्रभावित हुए और परमेश्वर से उपदेश प्राप्त किया। अब तीनों देवताओं ने परमात्मा से उपदेश लिया। प्रथम परमेश्वर प्रथम मंत्र में ये पांच नाम दान करते थे जो आप जी को सात नाम दे रखे हैं। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी यहां पृथ्वी लोक पर आए। यहां कोई भी परमात्मा से परिचित प्राणी नहीं मिला। अब पीछे से क्या हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि अब उनको दूसरा नाम देता हूं, सतनाम देकर आऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। अब पीछे से काल ने सोचा कि यदि ये तीनों पुत्र और इस जोग जीत की बातों में आ गए, यानी काल परमेश्वर को नहीं पहचान सका क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के नाम स्वरूप से प्रकट थे। तो पीछे से काल ने सोचा कि ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश यदि इसकी शरण में चले गए, ये सभी प्राणियों को सत्य ज्ञान बता देंगे और तेरा लोक खाली हो जाएगा। इसलिए उस काल ने अंतःकरण प्रेरित किया उनका, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और अंदर से एक ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये झूठ बोलता है, ये बेप्रमाणित बातें कर रहा है। क्योंकि वेदों का ज्ञान काल भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को विपरीत अर्थ कर रखा था, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने जब परमात्मा दोबारा उनसे मिलने गए अरुचि दिखाई और कहा ऋषि जी आपकी बातों का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा ही भेद है, पर मैं वेदन में नाहीं, अर्जुन वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब ब्रह्मा जी ने काफी विवाद किया, वाद विवाद किया कि नहीं, इन चार वेदों से अलग कोई अन्य कोई वेद नहीं, कोई सूक्ष्म वेद नहीं। अपुणात्मा और परमात्मा ने समझ लिया कि इनको इनकी बुद्धि काल ने फेर दी। फिर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी यही बात दोहरा दी कि ऋषि जी हम आपका सत्कार करते हैं लेकिन हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप बेप्रमाणित बातें कर रहे हो। आप परमात्मा को साकार बता रहे हो, वेदों में निराकार लिखा है। अब परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे हो, एक न बोला दो न बोले बोली सब संसारी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल प्रेरणा से वेदों के अर्थों को विपरीत ही याद किए हुए थे।